इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वार्क्स। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 2 में जब हम क्वांटाइजेशन दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उस समय हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज होता है। नाउ अब एलिमेंट्री चार्ज क्या चार्ज होता है? एलिमेंट्री चार्ज वो चार्ज होता है विच इज नॉट फर्दर डिविजिबल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये एक एलिमेंट्री चार्ज है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स कुछ और ही बोलता है। बट इन मॉडर्न फिजिक्स इट इज पॉसिबल, ओके। अब ये पॉसिबल कैसे है? ये क्वार्क्स के टर्म्स में पॉसिबल है। हम आज ये डिस्कस करेंगे कि क्वार्क्स कितने टाइप्स का होता है और क्वार्क होता क्या है। बेसिकली क्वार्क्स 6 टाइप्स का होता है, जिसमें क्वार्क, अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क। तो ये फर्स्ट 3 टाइप जो कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है अप टाइप क्वार्क। रेस्ट 3 चार्जेस है डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क, जिसको इन कंबाइंड बोला जाता है डाउन टाइप ऑफ क्वार्क। अब अप टाइप क्वार्क में चार्ज कितना होता है? +2/3 इलेक्ट्रॉन। नाउ एंड डाउन टाइप क्वार्क में होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब हम पढ़ रहे थे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बोला गया था? क्यू दैट इज चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज। बट मॉडर्न फिजिक्स में क्वार्क्स के टर्म्स में हम चार्ज को फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं, ओके? देखो ये चार्ज क्या है, अप टाइप क्वार्क कितना है, +2/3 ऑफ दिस चार्ज ओनली, फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखा है। डाउन क्वार्क -1/3, ये तो और भी छोटा चार्ज है, -1/3 e। इसका मतलब ये है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में तो चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम बोला जाता है, ये तो एलिमेंट्री चार्ज नहीं हुआ, ओके? बट अभी भी हम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आज भी एलिमेंट्री एलिमेंट्री चार्ज ही बोला जाता है। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनता कैसे है क्वार्क्स में। नाउ प्रोटॉन्स फॉर्म करता है 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क से। नाउ एक अप क्वार्क चार्ज में कितना चार्ज होता है? +2/3 e। तो आप अगर यहां से कैलकुलेट करें तो 2 × 2/3 e क्या बनेगा? 4/3 e। एंड 1 डाउन क्वार्क में चार्ज कितना है? -1/3 e, -1/3। नाउ आफ्टर कॉम्बिनेशन ये क्या बन जाएगा? +1 e, विच इज चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नाउ अब न्यूट्रॉन कैसे बनता है? न्यूट्रॉन बनता है 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से। तो 1 डाउन क्वार्क में चार्ज कितना है? -1/3। तो 2 डाउन क्वार्क में चार्ज कितना हो जाएगा? -2/3 e।
और एक अप क्वार्क का चार्ज है प्लस 2/3e। नाउ समेशन में क्या बनेगा, जीरो। तो ये सो न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, तो न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब यहां पर हम तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बता दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? नाउ इलेक्ट्रॉन क्वार्क का फैमिली मेंबर है ही नहीं, ये क्वार्क का फैमिली में आता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करता है लेप्टॉन्स से, इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करता है लेप्टॉन से। नाउ क्वार्क्स पढ़ने के बाद हमको ये समझ आया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, वो एलिमेंट्री यानी जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो एलिमेंट्री चार्ज तो अब नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वार्क्स, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को एलिमेंट्री चार्ज क्यों बोला जाता है? अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे ये रीजन है कि क्वार्क्स डजेंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में क्वार्क्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फ्री स्टेट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो सबसे स्मॉलेस्ट जिसमें चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यही फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसलिए अभी भी फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। इस वीडियो में क्वार्क से आपको ये समझ आया होगा कि देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस किन चीजों से बनता है। ओके, नाउ ये तो हुआ फर्स्ट स्पेशल टॉपिक जो आज के वीडियो में था। नाउ नेक्स्ट स्पेशल टॉपिक था वो आज हम डिस्कस करेंगे, और वो भी मैंने लास्ट लेक्चर, वो लेक्चर टू में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर टू में मैंने आपको बताया था कि वो जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन, बेसिकली कंफ्यूजन ये होता है कि पॉजिट्रॉन भी तो पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नाउ इन दोनों में ये डिफरेंस है, पॉजिट्रॉन इट इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जस्ट एन एंटी पार्टिकल होता है एक इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन हैविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज वन, इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लस वन होता है प्लस, एंड इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल एक एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। नाउ नेक्स्ट बेसिक डिफरेंस क्या है? इट अंडरगोज एनहिलेशन प्रोसेस, पॉजिट्रॉन अंडरगोज एनहिलेशन प्रोसेस। ओके, एनहिलेशन प्रोसेस भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो लास्ट वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर देख लें कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज है उन सब के बारे में जो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं, उसी का फर्दर ये स्पेशल लेक्चर बनाया गया है। ओके, नाउ इट डज इट अंडरगोज एनिलेशन प्रोसेस, बट प्रोटॉन इट डज नॉट टेक पार्ट इन एनिलेशन प्रोसेस। प्रोटॉन तो एनिलेशन प्रोसेस का पार्ट ही नहीं है, उसमें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यूज हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट बेसिक टॉपिक है, नाउ पॉजिट्रॉन इट्स मास इज 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम, जो कि इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। बट प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है? इट्स मास इज 1.673 × 10⁻²⁴ ग्राम, जो कि इलेक्ट्रॉन का मास से बहुत ज्यादा डिफर करता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा वेट में भारी होता है। ओके, तो आज का ये स्पेशल लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।